फूडपाथ में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सांभर की रेसिपी। सांभर बनाने के लिए सबसे पहले एक कुकर में एक कप तुअर की दाल या फिर अरहर की दाल उसको लें और उसमें चार कप पानी डालें। हम डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार या फिर दो छोटे चम्मच नमक और फिर इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच घी और हम इसको प्रेशर कुक करने के लिए रख देंगे लगभग 3 विसल के लिए। एक कढ़ाई में हम 4 बड़े चम्मच तेल लेंगे और उसको गर्म करने रखेंगे। फिर इस तेल में हम डालेंगे 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी मेथी दाना और 2 लाल मिर्च जिसको हमने तोड़ के छोटा करके डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई और 1 छोटा चम्मच जीरा और जब ये स्प्लटर होगा उसके स्प्लटर होने का वेट करेंगे। जब ये स्प्लटर हो जाए तो हम इसमें कुछ पत्तियां 5-6 पत्तियां हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते की। अब हम इसमें डालेंगे 2 प्याज पतले पतले स्लाइस किए हुए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे कोई सी भी सीजनल वेजिटेबल। यहाँ पे हमने 2 भिंडियां डाली हैं काट के, 3 से 4 गवार फली डाली है काट के, हमने एक कद्दू का टुकड़ा लिया है लगभग 3 इंच का और उसको हमने छोटे छोटे क्यूब्स करके डाले हैं और एक छोटी सी फूल गोभी लेके उसको एक टुकड़े करके हमने अपने सांभर में डाले हैं। हम इसको लगभग 2 मिनट के लिए पकाएंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको थोड़ी देर स्टर फ्राई करेंगे लगभग 1-2 मिनट। और अब हम इसमें डालेंगे इस वक्त इमली का पानी। इमली का पानी हमने कैसे बनाया है, 1 कप पानी में हमने लगभग नींबू बराबर इमली लेके उसको बॉईल किया और फिर पूरा गूदा और रस उससे लेके इसमें इमली का पानी डाला, इसको अच्छी तरह मिलाया, इसको लगभग 2 से 3 मिनट के लिए स्टर फ्राई किया, लिड को ढक के 2 मिनट पकाया और उसके बाद अब हम उसमें डालेंगे सांभर पाउडर। सांभर पाउडर हम होममेड डालते हैं, आप चाहें तो बाजार से भी ला सकते हैं। लगभग 2 बड़े चम्मच सांभर पाउडर आप इसमें डालेंगे और इसको स्टर फ्राई करेंगे और वापस इसको ढक के हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक आपकी जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह पक ना जाए। अब हमारी सब्जियां पक चुकी हैं अच्छी तरह और अब टाइम है दाल मिलाने का। जो हमने ऑलरेडी दाल बनाई हुई है हम इसमें पूरी की पूरी दाल को ऐड करेंगे और उसको लगभग 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। एक बार आपकी दाल बॉईल हो जाए तो छोंक के लिए हम 2 छोटे चम्मच घी को गर्म करेंगे, उसमें 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और कुछ कड़ी पत्ते डालेंगे, 5-6 कड़ी पत्ते डालेंगे और फिर अपने जो सांभर हमने तैयार किया है उसमें इसको छोंक देंगे और लीजिए आपका गरम गरम टेस्टी सांभर तैयार हो गया है। आप इसको इडली के साथ खा सकते हैं, इसको वड़े के साथ खा सकते हैं, डोसे के साथ खा सकते हैं, अढ़ाई के साथ खा सकते हैं या चावल के साथ खा सकते हैं, जैसे भी चाहें खा सकते हैं।